की कबीर आ गया, कबू आ गया, कबू अली। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसा आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि कबीर की 1 वीक के लिए छुट्टी पड़ गई है स्कूल की। तो हमने सोचा दिल्ली चले जाएं कबीर की छुट्टी सेलिब्रेट करने के लिए। तो कबीर और मैं जा रहे हैं दिल्ली। देखिए, कबीर भी रेडी हो चुका है और मैं भी। देखिए, कबीर ने मेरी पॉकेट में से टॉफी निकाल ली है, जो कि मैंने इसके लिए रास्ते के लिए रखी थी। तो कबीर और मैं जा रहे हैं बस से। तो देखिए, कबीर कितना एक्साइटेड है अपनी मम्मी के घर जाने के लिए। और अभी हम गए भी थे नेहा पप्पी को छोड़ने के लिए, कबीर भी गया था और मैं भी गया था छोड़ने के लिए। तो गाइस, चलो निकलते हैं, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब है, बारिश सुबह से हो रही है। तो बारिश इतनी तेज़ है, हवा के साथ, तूफान के साथ इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मगर मैंने सोचा कि गर्मी में जाने से अच्छा है तो बारिश में निकल जाएं, क्योंकि बारिश में ठंडा तो रहेगा। तो बस हम निकलने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो देखिए गाइस, कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल काली घटा हो रही है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है, काफ़ी तेज़ हवा के साथ बारिश हो रही थी। तो अभी भी कभी भी हो सकती है। बस मैं निकलने वाला हूँ, आप देख सकते हैं पेड़ भी सारे गीले हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है। तो बस कबीर और मैं निकलने वाले हैं, कबीर में रेडी हैं। तो हम मिलते हैं आपसे रास्ते में, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए गाइस, कितना ट्रैफिक है, और रोड बंद होने की वजह से सारा ट्रैफिक हमारे मावाना रोड पर हो गया है। कावड़ की वजह से रोड बंद हो गए थे। देखिए गाइस, हम बस अड्डे पर आ चुके हैं और काफ़ी भीड़ है, क्योंकि कावड़ स्टार्ट हो गए हैं और कावड़ की वजह से ही हम दिल्ली जा रहे हैं। कबीर की कावड़ की छुट्टी पड़ी है, तो हम बस अड्डे आ गए और यहाँ से सब जगह की बसें मिलती हैं। और देखिए, कावड़िए जा रहे हैं बसों के अंदर। तो बस हम भी जा रहे हैं दिल्ली। और देखिए, कबीर मेरी गोद में चढ़ा हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, कबीर मेरी गोद में है और मैंने बैग भी पकड़ रखा है। देखो, इसे दिख नहीं रहा, मामा थक गए हैं और ये मेरी गोद में चढ़ गया, मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए सारे। तो चलिए, हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अरे, हम दिल्ली जा रहे हैं, किसके घर? नया मम्मी के घर। तो क्यों जा रहे हो आप? आपकी स्कूल की छुट्टी हो गई, इसलिए जा रहे हो? अच्छा, तो सबको बाय बाय कर दो, हम दिल्ली जा रहे हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो देखिए गाइस, कितनी भीड़ है बस में भी और बस अड्डे पर भी, सब अपने घर जा रहे हैं छुट्टी में। तो देखिए, कबीर पी रहा है फीटर, कबीर को लग गई है भूख, है ना कबीर? भूख लग रही थी आपको? तो देखिए गाइस, हम निकल गए दिल्ली के लिए। तो अब हम सीधा पहुंचेंगे कश्मीरी गेट ISBT। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, मैं तो सुनने लगा था सॉन्ग, क्योंकि रास्ते में बोर हो जाते हैं। और कबीर देखिए कैसे मस्ती कर रहा है, मुझे देख रहा था। तो ये देखिए, हम आ गए हैं हाईवे पर, और हाईवे पर काफ़ी अच्छा लगता है, बड़े बड़े रोड होते हैं और हरियाली भी, और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी दिखाई देते हैं चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा लगता है हाईवे पर। और ये देखिए गाइस, कबीर सॉन्ग सुनने लगा था, उसने मुझसे वापस ले ली थी सॉन्ग सुनने के लिए।
तो देखिए गाइस, कबीर सो गया था, कबीर सॉन्ग सुनते सुनते सो गया था। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए, मासूम सा। तो अब मैं सॉन्ग सुनने लगा था क्योंकि कबीर तो सो गया था। तो देखिए गाइस, हम आ गए थे दिल्ली के अंदर और आप देख सकते हैं हम ब्रिज के ऊपर है और ये लोडिंग की गाड़ी जा रही है। तो काफ़ी अच्छा लगता है दिल्ली आकर। और ये मार्केट है दिल्ली की, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है आप देख सकते हैं। और हम वापस से निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर ISBT बस अड्डे पर। तो ये देखिए गाइस, कांवड़ यात्रा वापस से स्टार्ट हो चुकी है। 2 साल बाद कोविड के बाद कांवड़ यात्रा स्टार्ट हुई है और ये कैंप लगे हुए हैं कांवड़ियों के लिए। तो काफी एक्साइटेड हैं सब कांवड़ यात्रा के लिए और सब जा भी रहे हैं कांवड़ यात्रा पर जल लेने के लिए। और ये देखिए बम बम बोले करते हुए जा रहे हैं जल लेने के लिए। तो काफी अच्छा लगता है, इन्हें भी एक्साइटेड है। देखिए गाइस, हम आ गए हैं दिल्ली, अभी हम उतरे हैं कश्मीरी गेट। तो कश्मीरी गेट से जाएंगे हम सीधा वजीराबाद अपने अप्पी के घर और कबीर अपनी मम्मा के घर। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। क्या हुआ? हाँ, दोनों ही तो जा रहे हैं, दोनों जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना प्यारा नज़ारा है और ऊपर से मेट्रो जा रही है, तो काफी प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पर। तो गाइस, ये है महाराणा प्रताप बस अड्डा जो कि कश्मीरी गेट और ISBT के नाम से जाना जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है और नेशनल वे पर आता है, तो काफी बड़ा बस अड्डा है और अंदर से काफी प्यारा बना हुआ है और आप जाकर देख भी सकते हैं। कहाँ आ रहे हैं? हाँ, दिल्ली, मतलब मम्मी का घर भी दिल्ली है। अबे दिल्ली तो आ गए हम, बहुत देर हो गई। चले रिक्शा में जाएंगे अब। तो देखिए गाइस, वजीराबाद का एंट्री कितने काम चल रहा है, कितना अच्छे तरीके से बना रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, ये वजीराबाद की एंट्री है। ये देखिए यहाँ पर ये मकबरा है और अब हम रिक्शे में बैठ जाएंगे, रिक्शे से जाएंगे हम घर। तो मिलते हैं आपसे घर जाकर। तो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं वजीराबाद और अब हम मुड़ गए हैं अपनी गली में और हम बस पहुँचने ही वाले हैं। कहाँ आ गए आप? कहाँ आ गए हम? दिल्ली आ गए। तो गाइस, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, घर सामने है। तो मिलते हैं आपसे घर जाकर। कि कबीर आ गया, कब्बू आ गया, कब्बू अली। हम आ गए फाइनली नेहप्पी के घर और कबीर भी अपने घर आ गया है कावड़ की छुट्टी में। और देखिए दोनों खेल रहे हैं, नेहप्पी उसे पानी दे रही है। तो हम फाइनली घर आ गए हैं। कबीर, कभी क्या कर रहे हो आप? भाई के साथ खेल रहे हो? अक्की, आप भी भाई के साथ खेल रहे हो? स्कूल से हेलीकॉप्टर लेकर आए थे आप? अच्छा, आपको सरप्राइज मिल गया, कबीर आ गया। हाँ, अब कबीर और आप दोनों मस्ती करना। हाँ चलो ठीक है। ये है हमारे नेहप्पी के घर, देख सकते हैं आप। और मैं भी आपको दिखाता हूँ अंदर जाकर। ये एक ये रूम है, और ये देखिए न्यापी ने हमारे लिए मंगाए बर्गर, क्योंकि यहाँ पर पास में एक रेस्टोरेंट है। तो न्यापी ने हमारे लिए बर्गर मंगा लिए थे जल्दी से, तो काफी यम्मी बर्गर है। और देखिए गाइस, ये हमारा हो गया है डिनर टाइम। डिनर मैंने आपने बनाया शीर और कोरमा। तो अब हम मिलते हैं आपसे डिनर के बाद। तो गाइस, मेरा तो खाना खाकर हो गया है और अब मैं सोच रहा हूँ एडिटिंग कर लूँ और एडिटिंग करने के बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा और फिर मैं सो जाऊंगा। तो हाँ, इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा।
पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।